हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लव्स एंड ट्रिकी एजुकेशन। आज इंग्लिश रो मॉक टेस्ट 4 को प्रैक्टिस करिबा। आमे मॉक टेस्ट 3 पर्यंत प्रैक्टिस करथिले। आरआई एआरआई पई तो ऑलरेडी मॉक टेस्ट अछि, आपण माने जानथिबे। अल्टरनेट डे रे आमे प्रैक्टिस करिबा। दिने आरआई एआरआई पई करिबा, आउ दिने फायरमैन, फायरमैन ड्राइवर, फॉरेस्ट गार्ड पई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिबा। ओके, देखंतु आज रो मॉक टेस्ट रे आमे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिबा। केम को एग्जाम रे पडिथिला मु मेंशन करि नै छि, मु मेंशन करि दै छि, आपण माने देखि परथुबे। देखंतु ए क्वेश्चन नंबर 1 टी ओएसएससी एक्सरसाइज एसआई 2021 रो क्वेश्चन थिला। तो मन देखि प्लीज टिके देखिबे एवं बुझे पय ट्राई करिवे। जदि आपन मानको मॉक टेस्ट उडी को सत्रे भल लाउथे निहाती लाइक करिवे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। द बुक इज डैश द टेबल। ऑप्शन ए अक्रॉस, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी थ्रोन, ऑप्शन डी ऑन। सिंपल क्वेश्चन देखंतु, एहर करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन डी ऑन। देखंतु मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करैबार कारण होचे आपण माने जानि परिबे किपरी टाइप रो क्वेश्चन पढ़ुचे, आपण जानवा सहित मुझे जानवी एवं से ही टाइप रो क्वेश्चन मुझक प्रोभाइड करी। बुझेगा सबू सिंपल क्वेश्चन पढ़ुचे, बहुत मानते क्रिटिकल क्वेश्चन पढ़ुनी सर कहीं अन् बुझेगा। बुक टी के अच्छे, बुक हूँ टेबुल अच्छी बुक, ताले टेबुल अच्छी मानते टच रे अच्छी, बुझीपारे अन् प्रिपोजिशन रूज है। ऑप्शन बी देखो आक्रस, आक्रस प्रिपोजिशन के यूज होता है कहले। आक्रस हूँ पारी हेबा क्षेत्र में आक्रस प्रिपोजिशन यूज होता है। पारी हेबा मान देखु आपण मैंने रास्तार लेफ्ट साइड अच्छा राइट साइड को पारी हेबे, तो यही क्षेत्र में आपण मैंने आक्रस प्रिपोजिशन यूज करेंगे। किंबा कौन कार जदि कौन ब्रिज को पारी होठार आक्रस प्रिपोजिशन लगे। जपरिक गोटे एग्जांपल ही जाऊँचे, द कार इज गोईंग आक्रस द ब्रिज, मान बुझीपारे कार टी ब्रिज को पारी हो गोईंग आक्रस। बुझीगला किंबा जदि आपण मैंने गोटे साइड आउ गोटे साइड को जाऊंट रास्तार एपट पाखर सेपाख को जाऊँगी सेठे आक्रस आक्रस प्रिपोजिशन यूज हम। बुझीगला ऑप्शन बी देखो अबाउट, अबाउट प्रिपोजिशन के हम पखापाखी ओडिया आम पखापाखी कही था क्या विषय किंबा क्या संबंध में जदि कहते सेठे अबाउट प्रिपोजिशन को यूज करपरिक गोटे एग्जांपल नहीं जाऊँगी बुझीपारे। इट इज अबाउट 8 o'clock, पखापाखी 8 बाजी बुझीपारे पखापाखी मीनिंग आसूच। आउ कौन के यूज हम क्या विषय जदि सेठे अबाउट प्रिपोजिशन यूज होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट हर, ता विषय तुम्हें कौन जान क्या विषय क्या संबंध में जदि थे सेठे अबाउट प्रिपोजिशन यूज हे। बुझीला इट इज अबाउट टू रेन, देखो एठार अबाउट प्रिपोजिशन यूज है। इट इज अबाउट टू रेन मान वर्षा आसीपा संभावना क्षेत्र रोचे, सी इज अबाउट टू कम से आसीपा बुझे। ऑप्शन सी देखो थ्रो, थ्रो प्रिपोजिशन के यूज हम थ्रो हूँ धर कौन से एक मूसा पाई भितर देखिए गति करुच्चारे थ्रो प्रिपोजिशन यूज हम। द रैट इज गोइंग थ्रो ए पाइप, मूसाटी पाई भितर देखिए गति करुच्चारे थ्रो प्रिपोजिशन यूज हम। बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द सुइटेबल वर्ड और फ्रेज गिवेन बिलो। क्वेश्चन को देखो हि डैश टू माइ हाउस एवरी डे, इंडिकेटर देदेजी एवरी डे, ताले कौन सिंपल प्रेजेंट टेंस रे यूज हबो, सो यार करेक्ट आंसर टी जबो ऑप्शन ए कम्स। ही कम्स टू माय हाउस एवरी डे, से मो घर को प्रत्येक दिन आसे। ऑप्शन बी इज कमिंग हबनी, ऑप्शन सी हैज बीन कमिंग हबनी, किबा ऑप्शन डी विल कम मध्ये हबनै। देखंतु ए क्वेश्चन डी सिविल कांस्टेबल 2011 रे पडिथले क्वेश्चन टी, जानि परथुवे केते सहज क्वेश्चन आछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देछि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, आमे ब्लैंक को फिल करिबा एप्रोप्रिएट कंजंक्शन बसेक। ओके क्वेश्चन देछि, आई वांट टू नो डैश यू आर अटेंडिंग द फंक्शन डैश नॉट। ऑप्शन ए येट एंड, ऑप्शन बी नाइदर नॉर, ऑप्शन सी वेदर आर, ऑप्शन डी आइदर आर। बुझिया पय ट्राई करंतु, एहर करेक्ट कंजंक्शन दे जिवो ऑप्शन सी वेदर आर। आई वांट टू नो वेदर यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और नॉट, मु जानिबा पय चाहे तमे फंक्शन को अटेंड करूछो कि नाही। बुझे ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हो। देखो ये भी सिविल कांस्टेबल 2013 रो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कि आसवर कारण हूँ आम जापर जे किपर टाइप क्वेश्चन आसूच, मुझे टाइप मॉक टेस्ट प्रोवाइड करी। देखो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आसूनी, आप जापे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सी आई टू आई मीनस, ताले सी आई टू आई रे कौन समस्त को जना अच्छे क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन ए टू लुक फर समवन, ऑप्शन बी टू लविंगली आट समवन, ऑप्शन सी टू एग्री विथ समवन, ऑप्शन डी टू कीप एन आई ऑन आई। देखो सीपीएसई 2019 क्वेश्चन, यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टू एग्री विथ समवन, सेटा होचे सी आई टू आई।
आखि सहित आखि मिलाइबा माने कौन कहा सहित एग्री करिबा बुझी होची सेटा होची सी आई टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देछि द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बाछिबा बिहेवियर। प्रथमे आमे रफ रे लिखि नबा जहा फलरे आमे सठिक आंसर टी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को जानी परिबा। सुन जदि आपण माने देखिबे एग्जाम रे कन्फ्यूज रे पड़िबे सो प्लीज प्रथमे रफ रे लिखि नेबे बिहेवियर बी ई एच ए बिहेवियर भि आई ओ यू आर सेटा होची बिहेवियर। देखंतु केउठारे अछि ऑप्शन ए रे अछि बी रे अछि ना सी रे अछि ना डी रे अछि। एरर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहेवियर। ओके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टी ऑप्शन बी रे थिला। बिहेवियर अर्थ आपण माने समस्या जानचंते जोटा कि व्यवहार। ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन टी मध्ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन हेइनी किंतु ये मध्ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठैछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देछि आई डिसाइडेड टू डैश ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑप्शन ए टेक अबाउट ऑप्शन बी टेक ऑफ ऑप्शन सी टेक ऑफ ऑप्शन डी टेक इन। एहर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन सी टेक ऑफ। टेक अप रा अर्थ होउछि कोनोसी काम को आरंभ करिबा सेटा होउछि टेक अप। ओके आई डिसाइडेड टू टेक अप ऑर्गेनिक फार्मिंग मु ऑर्गेनिक फार्मिंग करिया पई डिसाइड करिली। ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हिजबे। टेक अप रा अर्थ होउछि कोनोसी काम को आरंभ करिबा सेटा होउछि टेक अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देछि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट रा सिनोनिम कोन हिजबो ऑप्शन ए अम्यूजमेंट ऑप्शन बी बोर ऑप्शन सी म्यूजिक ना ऑप्शन डी टेलीविजन। से सिनोनिम पचारछि समचारित शब्द पचारछि। ओके ताले सिनोनिम टी कोन हिजबो सिनोनिम टी हिजबो ऑप्शन ए अम्यूजमेंट। ये मध्ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन हेइनी बोली भाबिबेनी जे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होय बुझियला। एंटरटेनमेंट रो गोटे सिनोनिम अम्यूजमेंट हिजबो बहुत पिला कन्फ्यूज रे कोन करथांती ना टेलीविजन को आंसर करी थांती आमको एंटरटेनमेंट करी थाए तार सिनोनिम कोन टेलीविजन हिजब के एंटरटेनमेंट रो नो सिनोनिम हबनी। एंटरटेनमेंट रो सिनोनिम हिजबो अम्यूजमेंट। ऑप्शन बी हबनी समस्त पिला जानचंती बर माने कोन। ऑप्शन सी भी हबनी म्यूजिक सुनिले मध्ये आमे एंटरटेन हेइ नथांती कि हेइ थांती किंतु से क्वेश्चन कोन देछि क्वेश्चन देछि सिनोनिम देछि तो म्यूजिक टेलीविजन एमाने कोन गोटे गोटे सिनोनिम हेइ परबे कि नो हेइ परबेनी सेथि पय एर करेक्ट आंसर टी होला ऑप्शन ए अम्यूजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देछि आज यू डैश डैश शैल यू रिप ये होछि गोटे प्रोवर्ब आमे ओडिया रे लोकवाणी कहितांदे एटा होछि सेम थिंग इंग्लिश रे आज यू डैश शैल यू रिप एटार कोनसी किछ देखिबे नै एटा जेहेतु प्रोवर्ब एहर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन ए सो सो आज यू सो एसओ डब्ल्यू सो ए एसओ डब्ल्यू रो अर्थ होछि मंजी बुणिबा सो शैल यू रिप जेपरी बुणिब सेपरी काटिब रिप रो अर्थ होछि काटिबा। देखंतु ताको रिलेट करके आपण मान को कहूँ जदि आपण मैंने एबे हाथ में जेहेतु आपण मान टाइम अच्छे एबेठू जदि आपण मैंने सीरीयस हो पाठ पढ़ुए ताल एग्जाम निहाती क्वालिफाई करेंगे। जदि आपण मैंने पढ़ु नए ताल हाँ मुझे एग्जाम पूर्व पढ़वी बहुत पिला सेमती करते क्वालिफाई कर ना बुझीला आज यू सो सो सालू रिप जेपरी बुणब सेपरी काटव बुझीला। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देछि डैश बार्ड इन हैंड इज वर्थ टू ऑन इन डैश बुश ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ना ऑप्शन डी। देखंतु ये आर्टिकल क्वेश्चन देखंतु ये होछि गोटे इडियम टे इडियम को से देखंतु इडियम रे डैश पुरन से दे देला आर्टिकल और आर्टिकल अनुसार बसया पई। ओके किंतु ये होछि गोटे इडियम टे हाथ रे थिबा गोटिए पक्षी बुद्धा रे थिबा दुईटी पक्षी सहित समान बुझि पर्चंती माने हाथ रे जोटा अछि ताकु नै के काम करंतु निहाते सक्सेस पाइबे। तो देखंतु हाथ रे थिबा गोटिए पक्षी माने ए बार्ड हिजबो कोनोसी को बार्ड जदि भी आपण माने आर्टिकल अनुसार बसौचंती ताहाले मध्ये आंसर आसीबो बार्ड माने कोनोसी को बार्ड कथा कह जाइछि इन द बुश हिजबो बुश माने बुद्धा बुद्धा बुझि पर्चंती बुद्धा होउछि माने बहुत बड़ बड़ गच्छ नुहे बुद्धा हे के जो गच्छ उड़ी थांती कम हाइट रो किंतु बुद्धा हे की थिबे सेटा होउछि बुश। ए बार्ड इन हैंड इज वर्थ टू ऑन इन द बुश ताहाले पर्टिकुलर घास गोटे वैरायटी जोटा कि बुश बुझि पर्चंती तो से पर्टिकुलर बुश विषय कही मैंने से आर्टिकल यूज हो गला ये हूँ गोटे इडियम ए बार्ड इन हैंड इज वर्थ टू ऑन इन द बुश ताहले यार करेक्ट आंसर टी कौन हो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी ए द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देछि सी स्किप्ड हर ब्रेकफास्ट डैश सी फेंटेड इन द क्लासरूम तार ब्रेकफास्ट को से स्किप करगला मैंने तार ब्रेकफास्ट से खाइलानी ताको छाड़देला डैश सी फेंटेड इन द क्लासरूम फेंटेड रो अर्थ हूँ बेहोश हो गला फेंट होची बेहोश हवा फेंटेड होची बेहोश हो गला जेहेतु से तार ब्रेकफास्ट नेलानी ब्रेकफास्ट को स्किप कला तेणुक एवं से क्लासरूम रे
भेसई पड़ला बुझे सी स्किप्ड हर ब्रेकफास्ट कारण सी फेंटेड इन द क्लासरूम हम कि नो मीन व्वल हम कि समय पर नो बिसाइड्स हम कि नो यार करेक्ट आंसर टीज ऑप्शन डी एंड सो सी स्किप्ड हर ब्रेकफास्ट एवं तेणु से क्लासरूम बेहोश होकर पड़गला बुझेगा। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ए गिवन इडियम रा देइथवा इडियम रा हमें करेक्ट मीनिंग को बाछिबा वंस इन ब्लू मून वंस इन ए ब्लू मून एही इडियम रा करेक्ट मीनिंग टी कोन हिजिबा ऑप्शन ए समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली ऑप्शन बी समथिंग दैट हैपेंस एवरीडे ऑप्शन सी मून इन ब्लू इन कलर ऑप्शन डी मेनी इयर्स एगो देखो वंस इन ए ब्लू मून माने थरे ब्लू मून रे माने रेयरली कथा एटा होची रेयर कथा यार करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन ए समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली कोनोसी जिंस जदि रेयरली घटुथिबो ताहाले ताकू आपण माने वंस इन ए ब्लू मून बोली कहि परिबे ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे ओडिसा पुलिस कांस्टेबल 2023 रो क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 दे छि देसो ए मूवी डैश थिएटर डैश द थिएटर ऑप्शन ए ऑन ऑप्शन बी एट ऑप्शन सी विथ ना ऑप्शन डी फ्रॉम सिंपल क्वेश्चन यार करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन बी एट दे शो ए मूवी एट द थिएटर से माने सिनेमा हॉल रे मूवी देखिले एट द थिएटर ऑन हबो कि ऑन हबनी सी हबनी किंबा डी मध्ये हबो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देछि आइदर ऑफ द बॉयज डैश गॉट ए प्राइज आइदर अछि माने सिंगुलर वर्ब यूज हबो ऑप्शन ए हैज ए सिंगुलर अछि ऑप्शन बी हैव तो भूल ले हबनी ताको एलिमिनेट करंतु ऑप्शन सी वाज हे पारे ऑप्शन डी वेयर हबनी ताले ऑप्शन ए हबा ना सी हबा देखंतु गॉट अछि माने वर्ब रा थर्ड फॉर्म देछि वर्ब रा थर्ड फॉर्म के नै थाय ना हैज हैव हैड वर्ब रा थर्ड फॉर्म नै थांती सो हर करेक्ट आंसर टी जबा ऑप्शन ए देखंतु ए क्वेश्चन टी VAWHEW 2016 रा क्वेश्चन थिला VAWHEW रा फुल फॉर्म कोन VAWHEW होची विलेज एग्रीकल्चर वर्कर HEW होची हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन वर्कर बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देछि द गेंजेस डैश ए होली रिवर कंसेसन गेंजेस बोली पढ़ी थांते गेंजेस बोली कहि थांते ओके गंगा गंगा होची गोटे होली रिवर पवित्र रिवर ए होली रिवर बुझी पारछंते फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब एप्रोप्रिएट वर्ब को बाछिबा एप्रोप्रिएट वर्ब टी हिजबा ऑप्शन सी इज द गेंजेस इज ए होली रिवर इज बसी जिबा ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे देखंतु ए क्वेश्चन रे लैबोरेटरी टेक्नीशियन 2021 रो क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देछि इट इज यू हु डैश चीटेड मी ऑप्शन ए इज ऑप्शन बी वाज ऑप्शन सी हैज ना ऑप्शन डी हैव देखंतु रिलेटिव प्रोनाउन टी अछि हु रिलेटिव प्रोनाउन पूर्वरु जहा थिबो ता अनुसार आपण माने वर्ब को यूज करबे यू सहित कोन वर्ब इज लागि थाय कि लागिबनी ऑप्शन ए एलिमिनेट हिजबा वाज लागिबो कि लागिबनी यू वाज केबे आपण माने जानिछंती कि नो यू हैज वर्ब को नै नथाय सो हियर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन डी इट इज यू हु हैव चीटेड मी देखंतु चीटेड वर्ब रा थर्ड फॉर्म अछि एमितरे ऑप्शन ए बी एलिमिनेट हि जैथांदे पूरा ऑप्शन सी डी रु आपण माने लगैथांदे तो यू आंसर आपण माने वर्ब को चूज करिवे यू तो हैज भूलले भी नबनी यू हैव हि थाय बुझेला। एबे क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु क्वेश्चन नंबर 16 दैछि कीप टू द लेफ्ट चेंज द वॉइस वॉइस चेंज रो क्वेश्चन आसी गला ऑप्शन ए लेफ्ट इज केप्ट ऑप्शन बी लेट द लेफ्ट बी केप्ट ऑप्शन सी लेफ्ट इज टू बी केप्ट ऑप्शन डी यू आर डायरेक्टेड टू कीप टू द लेफ्ट कीप टू द लेफ्ट माने आपण मानको के जने एडवाइस करूची के जने सजेस्ट करूची बुझियो जे कीप टू द लेफ्ट रो माने कोन बाम पाखरे रखि दियो ताले बुझी पारथुबे लेफ्ट रे रखि दियो माने बाम पाखरे रखि दियो बुझी पारछंती तो हर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन डी यू आर डायरेक्टेड टू कीप टू द लेफ्ट ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हिजबे बुझेला काहे केला बाम पाखरे रखि दियो बोली आपण मानको जणे के कहिला माने यू आर डायरेक्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देछि चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टी देछि देखंतु डीप स्टील वाटर रन्स डीप ऑप्शन ए नाउन ऑप्शन बी प्रोनाउन ऑप्शन सी एडजेक्टिव ना ऑप्शन डी एडवर्ब यार करेक्ट आंसर टी कोन हिजबो कहिले यार करेक्ट आंसर टी हिजबो देखंतु अंडरलाइन वर्ड टी देछि डीप डीप तळे अंडरलाइन अछि ताले आंसर टी हिजबो ऑप्शन डी एडवर्ब काहे कि एडवर्ब वाला देखंतु काहे कि ना वर्ब ता पूर्वरु अछि रन्स रन्स जदि वर्ब हैला ताले वर्ब को क्वालिफाई करूछि ना सेथिपाई ये एडवर्ब हेगला ऑप्शन ए नाउन हबनी वाटर होची नाउन हिजबो स्टील कोन हिजबो किपरि जल ना स्टील वाटर स्थिर जल ताले जलटी स्थिर माने जलर गुण को ये प्रकाश करछि तेणु करि स्टील होची एठार एडजेक्टिव हिजबो नाउन बुझिले नाउन होची हमर वाटर हेला स्टील एडजेक्टिव हेला जेहेतु वर्ब को क्वालिफाई करछि डीप वाटर सेथिपाई ये एडवर्ब हेगला बुझिला।
नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन VAW HEW 2016 रो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 दे जे चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करिबा ही सेड आई न्यू द मैन से कहिला मो लोकडी को जाने ताले देखंतो ए क्वेश्चन डी VAW HEW 2016 रो क्वेश्चन देखंतो न्यू अछि माने V2 अछि पास्ट अछि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कला बळे जदी पास्ट थाए इनडायरेक्ट कला बळे कोन थाए कोन हि जाय ना पास्ट परफेक्ट हि जाय पास्ट परफेक्ट रे चेंज हे जेथे आपण माने समस्त जानिछंती तो पास्ट परफेक्ट देखंतो के ऑप्शन अछि ऑप्शन ए रे त नाही ही न्यू देछि ऑप्शन ए को एलिमिनेट करंतो ऑप्शन बी भी हबनी ही नो ऑप्शन सी देखंतो हार्ड नोन देछि सोहर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन सी ही सेड दैट ही हैड नोन द मैन ओके ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हिजो वाज नोइंग दे देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देछि द डज द ट्रेन इफ दे डू नॉट हरी ऑप्शन ए विल मिस ऑप्शन बी विल हैव मिस ऑप्शन सी मिस ना ऑप्शन डी आर मिसिंग एहर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन ए विल मिस देखंतो ए क्वेश्चन टी और ट्रिपल एस सी पी और 2023 रो क्वेश्चन समस्त जानिछंते दे विल मिस द ट्रेन से माने ट्रेन को मिस करिवे जदी से माने जल्दी न जिवे तो मिस करिवे माने विल मिस हे जिवा ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हे जिवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 आज मॉक टेस्ट रो लास्ट क्वेश्चन रहिबा ए पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग इन द कॉर्नर ए क्वेश्चन टी सीआरई कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 क्वेश्चन ए पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग इन द कॉर्नर ए पेयर ऑफ शूज ए पेयर ऑफ माने गोटे पेयर ऑफ शूज कथा कह जाउछ गोटे पेयर माने गोटे पेयर रे दुईटी थाए बुझी परचोंते दुईटी जथा को आपण माने गोटे हळ बोली कहिबे ए पेयर ऑफ शूज कथा देइछ तो गोटे पेयर ऑफ शूज कथा कह जाइछ जेहेतु गोटे वन पेयर ऑफ शूज कथा कह जाइछ सेथि पय एठारे सिंगुलर भर्ब यूज हबो सो हर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन सी इज ए पेयर ऑफ शूज इज लाइंग इन द कॉर्नर ऑप्शन ए हबनी ऑप्शन बी हबनी किबा ऑप्शन डी हबनी आई केवल आम भर को नै थाए ओके जदि दे थांदा पेयर्स ऑफ शूज ताहाले सेठारे प्लुराल भर्ब रा यूज हे थांदा जेहेतु ए पेयर ऑफ दे दिछ ए पेयर ऑफ माने गोटे हळ कथा कह जाइछ सेथि पय एठारे इज भर्ब रा यूज हला आपण माने भलो भाबरे जानि परथुबे केते हाई लेवल रो क्वेश्चन थिला बहुत हाई लेवल नथिला पूरा सिंपल क्वेश्चन थिला सिंपल मीडियट लेवल पर्यंत क्वेश्चन पकेबो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पडुनी ताले मो आशा करू छी आजर मॉक टेस्ट को आपण माने भलो भाबरे बुझि परथुबे जदि किछ डाउट होछि निहाती कमेंट माध्यम रे जणांतु जदि आपण मानको भल लागथाय ताले निहाती लाइक करिवे चैनल को शेयर करिवे सब्सक्राइब करिनथले सब्सक्राइब करिनेबे ओके थैंक यू।